हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई समय हो रहा है 8:32, मुझे मिल गई है भाई सुबह की गर्मा गर्म आधा गिलास चाय। ये देखो शानदार खुशबू आ रही है। और भाई रात को मैंने ब्लॉग एडिट कर लिया था, सेव नहीं करके अपलोड नहीं कर पाया था। भाई नींद बहुत तेज आई थी, मैं सो गया। तो सुबह का सबसे पहला काम है मुझे ब्लॉग को सेव करना है, अपलोड करना है, उसके बाद भाई करना है पब्लिश। तो फटाफट चाय पीते हैं और इस काम में लग जाते हैं। भाई साहब जल्दी जल्दी उठे, नहा धोकर भाई हो गए हैं फुर्सत, तो सुबह का बना रहे हैं भाई गर्मा गर्म नाश्ता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखो गाइस, पूरे 10 दिन के बाद बन रहा है भाई गर्मा गर्म नूडल्स, बहुत शानदार। नहीं हम तो नहीं खाए भैया, उसे एक भी दिन नहीं खाया हम तो नूडल्स, ऐसे कैसे पैकेट रखा रहा। चलो इनका तो भैया नाश्ता बन गया है, हम जा रहे हैं काम करने के लिए, बहुत सारे काम है। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही भाई, एक नंबर की। भाई साहब का फेवरेट नाश्ता है गर्मा गर्म नूडल्स। आज तो भाई हालत पंचर हो गई, काम करते करते पूरा दिमाग भन्नाने लगा है। पहले तो भाई घर के जो काम निपटाते उसको निपटाए, कल भाई साहब शहर से बाहर से आए हैं तो पूरे एक पिट्ठू भर के भाई कपड़े थे, कपड़े धो दिए उनका पूरा पिट्ठू भाई धो दिए, जूते गंदे दिख रहे थे जूते भी धो दिए। फिर मैंने सोचा जब इनके धो दिए तो भाई मैं अपना भी जूता धो लूं, तो मैंने अपने जूते भी धो लिए, गाड़ी गंदी हो गई थी गाड़ी भी धो दिया। तो भाई ऐसे करते करते बहुत सारे काम निपटाए, और सब काम जो है ना वो नीचे बैठ के रगड़ने वाले थे भाई, ब्रश से रगड़ने वाले काम थे। काम करते करते भाई हालत पंचर हो गई, उसके बाद हिम्मत जुटाई तो जाके नहा धोकर अब हो गए भाई फुर्सत। तो भाई पूरे काम निपट गए, टेंशन फ्री दिमाग हो गया, पर भाई कमर जो है ना पूरी अकड़ गई है, ऐसी सूखी, ये ऐसा था इधर झुकेगी तो टूट जाएगी, इधर झुकेगी तो टूट जाएगी। अब चलते हैं 10 मिनट पहले शांति से बैठते हैं, उसके बाद दूसरा कोई काम करेंगे। गर्मा गर्म लंच तैयार है और गर्म गर्म थाली भाई मेरे हाथ में है, बनी है भाई बहुत शानदार दाल, लौकी की बहुत बढ़िया सब्जी, खीरे का सलाद, गर्मा गर्म चावल, पूरी थाली तैयार है और भूख लगी है भाई बहुत जोर से। समय हो रहा है 4:05, दोनों भाई हो गए हैं तैयार रेडी, और तैयार होके जा रहे हैं भाई अपने बाल कटवाने के लिए। देखो कितने भयंकर तरीके से बाल बढ़ गए हैं, हर जगह से बहक रहे हैं, कितने बार भी कंघी करो खराब लग रही है। हाँ कलम भी खराब लग रहा है, चेहरा भी थोड़ा सा डाउन टाइप का लग रहा है ना, बाल बड़े होने कारण, बाल बढ़ने की वजह से चेहरा भी उदास लगता है। अब चल के उसको कटवाते हैं बढ़िया मस्त वाला, मूंछ सेट करवाएंगे, बाल सेट करवाएंगे, बढ़िया पूरी कटिंग करवाएंगे, बहुत बढ़िया। इनके देखो कितना बड़ा गुब्बारा खड़ा हो गई, देखो भाई सही में ना मेरे को लग रहा महीने भर से ज्यादा हो चुकी अपन को बाल कटवाना हुआ, पर नहीं हुआ बात मानो बढ़ गए हैं। चलो ठीक है, जो भी हुआ तो कटवाना, यहाँ से सीधे चल रहे हैं भाई अपन सैलून, अपना नंबर लग चुका है, पहले ही लगा था, हम लोग थोड़े से लेट हो गए निकलने में, तो सीधे यहाँ से चलते भाई, मस्त मौसम भी थोड़ा छाए वाला हो गया, बाइक राइड करते हो सीधे सैलून पहुंचते और अपने इन बालों को भाई कटवा के बढ़िया शानदार तरीके से अपना चेहरा टिप टाप करवा लेते हैं। भाई साहब गाड़ी, अरे रुको पहले सुनो तो मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो तो पिछले टायर में पंचर लगा था ना, पिछले टायर में पंचर लगा था, हवा पूरी निकल गई है, हमको घसीट के यहाँ से 100 मीटर 150 मीटर दूर हवा ही नहीं है इसमें तो, बिल्कुल इतनी सी भी हवा नहीं है, हमको 100-150-200 मीटर दूर घसीट के ले जाना पड़ेगा, घसीटना पड़ेगा, हाँ घसीटना पड़ेगा, तभी हवा डालने दुकान पे जाएंगे तब हवा डलेगी तब आगे बढ़ पाएंगे। चलो थोड़ी मेहनत करो, घसीट लेते हैं गाड़ी बढ़िया से। हम लोग पहुंच गए भाई सैलून में, और हर बार सबसे पहले बाल कटते हैं भाई साहब के, तो भाई साहब को हॉट सीट पर बैठा दिया गया है, एप्रिन बंद गई है, अब भाई साहब के बढ़िया ऊपर से फब वाले और साइड से बारीक वाले बाल कटेंगे। साइड से मैं बारीक कटवाऊंगा भाई, बहुत ज्यादा बारीक नहीं कटवाएंगे, ठीक है 2 नंबर या 3 नंबर करवाएंगे, दोनों भाइयों की एक जैसी कटिंग रहेगी, पर मेरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हर बार भाई, इनकी जैसी नहीं आती मेरी कटिंग, क्योंकि मेरे बाल पतले पतले है ना, तो भाई साहब की कटिंग शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद इनकी मूंछ सेट होगी, फिर बढ़िया भाई साहब चांद निखर के सामने आएगा, ठीक है भैया। और देखो इस बार शकल दिख रही है, बोलना नहीं मोबाइल में शकल दब गई, भाई साहब बोलते तो मेरे मोबाइल भी मेरे सामने लग रहा है, मैंने बोला नहीं भाई पहले एक्शन देख लो, एंगल देख लो, ठीक है ऐसा ही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अब सही है। हाँ ऐसे भी इनके बड़े बाल भी अच्छे दिख रहे थे यार, कटवाने की जरूरत नहीं, डिस्टर्ब होते हैं, हाँ बहक रहे थे, तो चलो गर्मी है भाई गर्मी है, सुनो फटाफट कटिंग शुरुआत करवाते हैं।
भाई साहब के बहुत बढ़िया बाल कट गए हैं, इन्हें बारीक बारीक कटवाए। मैं बोला था थोड़ा घने घने करो, बोले नहीं गर्मी गर्मी में बेचैनी होती, ठीक है बेचैनी बहुत होती, पर तुम अपने बाल ना थोड़ा फब रखना, ज्यादा बारीक नहीं। मैं अच्छा फब भर रही हूँ और साइड से जितने बारीक हो जाएंगे उतने ठीक है। उसे गर्मी सही बात है, ऐसे चिलमिलाता तो है, जैसे कट जाएंगे वैसे कटवाएंगे, मैं बढ़िया बाल कटवाएंगे भाई। तो भाई साहब फुर्सत हो गए हैं, हमें अपरिन बंद हो चुकी है, अपनी कटिंग शुरुआत करते हैं बढ़िया। फिर भाई अच्छी तरीके से चांद निखर के आएगा, इनका तो आ गया, हमारा ही बाकी है। तो भैया मोबाइल पकड़ो, हम कटिंग करवाते हैं। लाओ शानदार भाई, मेरे बाल कट गए जैसा मैंने ऊपर से बोला था, फब रखूंगा साइड से बारीक रखूंगा, बढ़िया है ठीक है। एक नंबर के मूछ भी सेट हो गए मेरे, देखना भाई। अरे एक नंबर के हैं, रुको तो मेरे को बात तो करने दो। मेरे देखो अच्छे मस्त फब वाले बाल कट गए हैं, साइड से बारीक है, गर्मी के हिसाब से भाई एक नंबर चीज बन गई बढ़िया। मूछ देखो कितनी बढ़िया, नोक वाली पेंसिल वाली गपा दूंगा, ऐसे ऐसे गपा दूंगा। सुनो अब यहाँ से भाई हो गए हैं फुर्सत, अब बताओ क्या काम है, काम बताओ फटाफट। सीधे घर चलते हैं थोड़ा, नहीं वो बीच में काम था ना यार, वो नहीं करो। दो चार मिनट का काम है भाई, एक दस मिनट का काम है, रस्ते में चलते चलते वो काम फुर्सत कर दें, सीधे घर चलेंगे। घर चलेंगे, थोड़ा बाइक राइड करने के हम सोच रहे थे, उधर दो किलोमीटर घूम लेते बढ़िया, मोड़ लेंगे। तो चलो सीधे भाई काम निपटाते हो, घर चलते हैं। और समय हो गया है 6:05 किसी का फोन आ गया तो देख लेंगे, नहीं तो अपन सीधे घर ही चल रहे हैं। अपन देखो सब परिस्थिति में ठीक, काम आ जाए तो वो भी निपटा देंगे, नहीं तो भाई सीधे घर चल चलेंगे। तो यहाँ से प्रस्थान करते हैं भैया। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। रास्ते में हनुमान जी मिलेंगे, दर्शन कर लेते हैं यार मंदिर में, 10-12 दिन हो गए यार। हाँ, सही बोल रहा, बहुत दिन हो गए मेरे को भाई, हनुमान जी के दर्शन करने चल रहा है भाई, ठीक है। इसलिए ये शॉर्टकट वाली रोड मोड़वा ली है भाई साहब से, क्योंकि भाई 10-12 दिन हो गए बजरंग बली के दर्शन नहीं हुए हैं। शानदार भाई, बजरंगबली के दर्शन हो गए, बड़ा अच्छा, मन तृप्त हो गया, आत्मा तृप्त हो गई, गाय आत्मा तृप्त हो गया, गले को तृप्त करना, गले में सुनो खाने पीने भाई, को मैंने यहाँ से मटका कुल्फी गुजरते देखी है, ठीक है। अब मेरी मटका कुल्फी खाने की बड़ी तीव्र इच्छा हो गई है भाई साहब को बताया, तो भाई साहब की बड़ी तीव्र इच्छा हो गई है मटका कुल्फी। भाई अभी अपन ने जब से गर्मी बढ़ी है ना, मटका कुल्फी नहीं खाई है, ठीक है। सीजन की पहली मटका कुल्फी है, तो यहाँ से कहाँ चलेगा अपन, पूरा ब्रिज वाले में चलेंगे, वहाँ बहुत सारे काम करो, ब्रिज के ऊपर चढ़कर खाएंगे, चलो बढ़िया, मौसम भी एक नंबर शानदार है, ब्रिज पे भाई हाइट पे खड़े होंगे, सनन सनन हवा लगेगी, मटका कुल्फी का आनंद ही भाई अलग आएगा, 10 गुना आएगा, 20 गुना आएगा। तो यहाँ से सीधे चलते कछपुरा ब्रिज, मस्त आइसक्रीम खाने के लिए, डन। भाई हम लोग पहुंच गए कछपुरा ब्रिज, और कितना शानदार मौसम है, और भाई सूर्य अस्त का समय देखो कितना शानदार, लाल कितना अच्छा आ रहा ना, बहुत बढ़िया भाई, अपन दोनों गोरे गोरे। सुनो हमें मिल गई है मटका कुल्फी, शानदार, तो अपन एक एक मटका कुल्फी खाते हैं और इस माहौल का जो है ना एंजॉयमेंट करते हैं। पहले मटका कुल्फी निकाल ले भाई, उसके बाद खाने में और बात करने में बड़ा आनंद आएगा। गाइस ये है भाई मटका, पहले तो वो उसका मिट्टी का आता था, पर आजकल आइसक्रीम ज्यादा बिकने कारण, कुल्फी बिकने कारण ये लोहे का बन गया है। खोलो यार भैया इसका ढक्कन, थोड़ा अंदर का दृश्य दिखाया जाए, तो ये देखो भाई पूरी कुल्फी अंदर तैर रही है, बढ़िया स्थिर बैठी है कि हमें कोई खाने के लिए कोई ना कोई आएगा, और ये बर्फ और नमक के पानी है और बढ़िया ठंडी ठंडी है। निकालो भैया अपनी एक एक बढ़िया शानदार, दो लगा दो भैया, दो लगा दो, मस्त अच्छी कड़ी वाली निकालना, ठीक है, जो अंदर जमी हो अच्छी। तो भाई सीजन की पहली मटका कुल्फी हम खाना शुरुआत कर रहे हैं, तो ये देखो भाई ये डंडी है, ये पूरी बिक जाती है इतनी भैया डंडी, कितनी निकलती होगी फिर भी, कितनी निकलती होगी आइसक्रीम भाई, 150 से 200 डिब्बी भाई की बिक जाती है, वो भी देखो शाम को 6 बजे लगा रहा, रात को 11 बजे तक। ये देखो भाई इसके अंदर ये घुस गया, ठीक है, और चक्कू डाले और ये 2 बार इसको घुमाएंगे और ये पूरा प्रैक्टिकल होके आइसक्रीम बाहर आ गई। ये देखो भाई इसको बोलते हैं कुल्फी, भाई साहब बोलते हैं ये होम डिपार्टमेंट में बनती है इसलिए इसको कुल्फी कहा जाता है, ठीक है भैया। लो पकड़ो, इसको बोलते हैं होममेड कुल्फी, भैया अपने घर बनाते, क्योंकि ये घर में बनाते हो ना, सब मटका कुल्फी घर में बनती है, कुल्फी आइटम होते ना बेचने वाले अपने घर में बनाते हैं, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनाते, ये तो घर में बनाते, इसलिए इसको कुल्फी कहा जाता है, इसको होममेड कुल्फी बोलते हैं। हाँ ये बात सही है। तो गाइस ये मेरी कुल्फी और ये है भाई साहब की कुल्फी, आओ पहले आराम से आप खड़े होते हैं, उसके बाद कुल्फी का आनंद लेते हैं बढ़िया से। आइसक्रीम वाले भैया प्रस्थान करके क्योंकि ठेला लगाते हैं भाई उधर ब्रिज पे बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है, हम लोगों ने बीच में ही रोक के निकलवा लिया। अब भाई होम मेड कुल्फी खाने का मजा ही अलग है, मटका कुल्फी देखो ये होम मेड है, स्ट्रीट में बिक रही है इसलिए स्ट्रीट फूड भी कह सकते हैं इसको, और हमारी सीजन की पहली मटका कुल्फी है, इसको खा के भाई बहुत आनंद आ रहा है, मस्त मीठी आ रही है, एक नंबर मावा कुल्फी बोलते हैं। हाँ हाँ मावा कुल्फी, हाँ ये बात बताना तो मैं भूल ही गया कि मावा कुल्फी है सबसे बड़ा, मावा को हमारे क्या बोलते, खोवा, खोवा बढ़िया वाला। हाँ हाँ भाई
मजा आ रहा है यार, बिल्कुल घर ऐसा सुनो तो, ऐसी मटका कुल्फी तो मैंने पिछले साल भी नहीं खाई थी, मालूम है इतनी अच्छी है ये। अभी भाई को ही पकड़ेंगे हर बार अपन। हाँ सही बात है, खरीदेंगे और खाएंगे, हमेशा खाएंगे बढ़िया से। तो भाई कछपुरा ब्रिज पे बहुत सारा मटका कुल्फी बिकता है, आप लोग जहाँ से हो तो खाओ। मटका कुल्फी जबलपुर की बहुत प्रसिद्ध है, मजेदार है, आनंद है, मौसम का मजे है भाई, ठंडी है। सुनो हम लोग खड़े हैं, देखो कछपुरा ब्रिज पे क्या शानदार लोकेशन, देखो इस तरफ भी लोकेशन देखो, ये देखो पूरा पीछे पूरा रेलवे ब्रिज है, और यहाँ से देखो भाई क्या शानदार, नीचे भी एक रोड है, और यहाँ से भाई पूरा गोल गोल रानी करते करते हम आ गए फिर से अपनी जगह पे, आइसक्रीम का आनंद लेते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। बड़ी मजेदार आ रही है आइसक्रीम भाई, बहुत शानदार लग रही है। पहुंच गए भैया घर, मस्त शैम्पू लगा के दो बाल्टी ठंडे पानी से नहा के भाई हो गए हैं फुर्सत। नहाना भाई इसलिए पड़ा हमें क्योंकि हमने बाल कटवाए थे, बाद में वो चुभते हैं खुजाते हैं, इसलिए नहाना ही सबसे अच्छा करते हैं चुभुर चुभुर, ठीक है। तो भाई मेरे को लगता है कि बाहर से गर्मी से कहीं से भी आओ ना तो मुंह हाथ धोने में जितनी मेहनत लग रही है, दो बाल्टी पानी चला करके अपने ऊपर शांति से मन शांत दिमाग शांत सब ठंडा हो जाता है। अरे सुनो तो हैंडपंप के नीचे ऐसी मुंडी लटका के धो, फिर हाथ धो साबुन से, मुंह धो, उससे ज्यादा से ज्यादा कमर अकड़ जाती भाई। उतने से बढ़िया बैठो बाहर आंगन में, दो बाल्टी भरो पानी, हर 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 नहा लो, दिमाग ठंडा सब कुछ ठंडा। तो भाई यही कॉन्सेप्ट ठीक है कि बाहर से आके नहाएंगे पूरी गर्मी भर, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब लग गई भाई बहुत तेज भूख, तो भाई साहब पेटू राम जो है वो बना रहे भाई गर्मा गर्म गर्म ऐसे हाँ गर्मा गर्म शानदार मसाला नूडल्स 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 आ गया नूडल्स छा गया नूडल्स, पेट में जाएगा तो पच जाएगा भी नूडल्स। आगे बोल लो गर्मा गर्म नूडल्स बना रहे हैं भैया, सब खिलाते हैं, आप लोग भी साधारण आमंत्रित है। हाँ सही बताए, बाहर से आने के बाद जैसे नहा के निकला ना बहुत जोर से लगी, बहुत तेज भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, खुशबू तो कलर कर रही है भाई, कलर तो देखो कितना अच्छा हो रहा है ना, इससे भाई भूख बढ़ जाती है। तो फटाफट बनाते हैं और एक एक प्लेट भाई दबाते हैं, तब जाके दिमाग थोड़ा सा काम करने लायक हो जाएगा। मैं मोबाइल में बैठ के भाई बहुत जरूरी काम कर रहा था, मम्मी जी बोली बारिश होने लगी है, सब सामान समेट के भैया ऊपर रख दो बढ़िया सीढ़ी पे, नहीं तो सब तैरने लगे, क्योंकि भैया हमारे आंगन भर जाता है पानी, थोड़ा सा ही पानी गिरेगा तो आंगन में पानी भर जाएगा। भाई बाहर आके देखता हूँ तो अच्छा झमाझम पानी गिर रहा था, अब भी रुक गया है, और बिजली भी भाई बहुत तड़क रही थी बहुत तेज, और मैं क्या है ना बग लगाया था, मेरे को सुनाई नहीं दिया कि पानी गिर रहा भाई, बिजली तड़क रही, मम्मी बोली बहुत तेज गर्जन हो रही थी भाई, ये देखो सीढ़ी विड्डी देख रहे, पूरी सीढ़ी गीली हो गई है और अच्छा झमाझम पानी गिरा है, मैंने नाली वाली सब बंद कर दी क्योंकि पानी अब नहीं भाई भरेगा, ठीक है। और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, चिल्ड हो गया, बड़ी शानदार हवा चल रही है, तो भाई ऐसे ही पानी और हवा आती रहेगी ना तो गर्मी का जो प्रकोप है जो तीव्रता है वो भाई बिल्कुल नहीं लगेगी और मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा रहेगा। समझ ही नहीं आ रहा कि हम गर्मी में जी रहे हैं, बरसात में जी रहे हैं कि ठंडी में जी रहे हैं, जीवन पूरा कन्फ्यूज हो गया कि हम कौन से मौसम में जी रहे हैं। भाई कुछ भी हो मौसम एक नंबर झन्नाटेदार है। गरम गरम डिनर तैयार है और गर्मा गर्म थाली भाई मेरे हाथ में है, बना है भाई बहुत शानदार कढ़ी पकौड़ा और चावल, और भूख लगी है भाई बहुत जोर से। हे गाइस हो गई है बहुत रात, आ रही भाई बहुत भयंकर नींद, तो ब्लॉग की करते भाई यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको ब्लॉग तो अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते कल एक नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।